साहिल की जो बॉडी है वो नीचे पड़ी हुई है। मैं आपको बता दूं कि यही दरवाज़ा इकलौता रास्ता है यहाँ पे जाने का, लेकिन इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सामने सीसीटीवी फुटेज आप देखेंगे, कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरा में साहिल ना तो इस दरवाजे से अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। साहिल की यहाँ पर उसके पाँव थे और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो खून यहाँ पे इकट्ठा है, यहाँ पर साहिल का सर था। आशंका जताई गई है कि कहीं उसका मर्डर करके ऊपर से फेंक दिया हो या नीचे लाके लाश रख दी हो। पुलिस इस पहलू पे भी जांच कर रही है। कानपुर में MBBS छात्र साहिल सारस्वत की मौत की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है, लेकिन अब सवाल खड़े हो गए CCTV कैमरे पर। अब आप सोच रहे होंगे कि भला मौत से CCTV कैमरे का क्या कनेक्शन है। दरअसल साहिल की लाश हॉस्टल के बेसमेंट में सोमवार की सुबह मिली। अब इस मौत के मामले में दो थ्योरी सामने आ रही हैं। पहली ये कि किसी ने हत्या कर शव को चौथे माले से नीचे फेंक दिया, या फिर शराब के नशे में साहिल खुद हड़बड़ा कर नीचे गिर गया। साहिल की मौत की गुत्थी सुलझ सकती थी सीसीटीवी कैमरे से, क्योंकि जहां से साहिल के नीचे गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है वहां भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और जहां पर साहिल की लाश मिली है वहां पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा है, लेकिन दोनों ही कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। चौथे माले वाले सीसीटीवी कैमरे के लिए कहा गया कि वहां रात में अंधेरा था, कोई लाइट नहीं थी, इसलिए वहां पर कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, यानी नाइट विजन कैमरा नहीं था इसलिए वहां पर कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, और ग्राउंड फ्लोर वाला सीसीटीवी खराब बताया जा रहा है। पूछताछ हुई, फिलहाल पुलिस ने पूछताछ करी है। लोगों का कहना है कि इतने नशे में था कि उसको होश नहीं है। यहाँ पे जब लड़कों से पूछताछ करी गई तो बताया कि साहिल ने उस रात इसी दीवार पे यूरिनेट तक किया था, जिसको कुछ लोगों ने जो हॉस्टल के लोग हैं उन्होंने देखा। फिलहाल सामने CCTV भी मौजूद है, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण और अंधेरे होने के कारण पूरी जो दुर्घटना है वो कहीं ना कहीं कैप्चर नहीं हो पा रही है। साहिल सारस्वत की मौत एक हत्या है या दुर्घटना, इसकी जो गुत्थी है वो उलझती जा रही है। कानपुर पुलिस इन दोनों पहलुओं पे जांच कर रही है कि साहिल की किसी ने हत्या करी या फिर दुर्घटना हुई और नशे में होने के कारण बालकनी से गिरने से उसकी मौत हुई। आपको ले चलेंगे, सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे क्या है इस पूरे मामले के फैक्ट्स। सबसे पहले ये वही दरवाज़ा है जो सुबह सुबह गार्ड ने खोला और देखा कि साहिल की जो बॉडी है वो नीचे पड़ी हुई है। मैं आपको बता दूं कि यही दरवाज़ा इकलौता रास्ता है यहाँ पे जाने का, लेकिन इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सामने सीसीटीवी फुटेज आप देखेंगे, कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरा में साहिल ना तो इस दरवाजे से अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ना ही उसकी जो प्रेजेंस है वो यहाँ एस्टैब्लिश हो रही है। जब गार्ड गेट खोलता है तो वे देखता है कि नीचे साहिल की बॉडी पड़ी हुई है। मैं आपको बता दूँ कि इस सीढ़ी से जो खून के धब्बे हैं वो आपको दिखेंगे कि कैसे खूनों खून यहाँ पे वो रखा है, और खून में संदिग्ध जो लाश है वो मिली थी साहिल की। यहाँ पर उसके पाँव थे और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो खून यहाँ पे इकट्ठा है, यहाँ पर साहिल का सर था। फिलहाल ये भी आशंका जताई गई है कि कहीं उसका मर्डर करके ऊपर से फेंक दिया हो या नीचे ला के लाश रख दी हो। पुलिस इस पहलू पे भी जांच कर रही है, लेकिन एक पहलू ये भी है कि कहीं ना कहीं चौथे फ्लोर से, जहाँ आखिरी बार उसको धुत नशे में देखा गया था, वहाँ से नशे के कारण गिरने से उसकी मौत हो गई हो। ऊपर एक नायलॉन की रस्सी थी जो टूटी हुई मिली है, साथ ही साथ यहाँ पे जो एजेस हैं अगर आप देखेंगे सीढ़ियों के, ये बहुत नुकीले हैं, और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम में शार्पन इंजरीज आई हैं वो इसी तरीके से लगने की वजह से हो सकती हैं। फिलहाल ये सब कयास हैं और थ्योरीज हैं जिसपे कानपुर पुलिस जाँच कर रही है। सत्य क्या है उसकी जो जांच है पुलिस कर रही है, और इस निष्कर्ष पे तभी पहुंचेगी जब जांच पूरी हो जाएगी। सोचिए जरा कि सीसीटीवी कैमरे के खराब होने से ये मामला कितना उलझ गया। अब सवाल ये कि अगर कॉलेज हॉस्टल का ये कैमरा ठीक होता तो आज मौत की गुत्थी सुलझ सकती थी। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग से सब कुछ साफ हो जाता, लेकिन कैमरे खराब होने के कारण कुछ भी सामने नहीं आ पाया। वहीं मृतक साहिल के घर वालों की माने तो उनके बेटे का मर्डर हुआ है। वो हादसे वाली थ्योरी को पूरी तरह से नकार रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक साहिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर में चोट के 16 निशान पाए गए हैं। सिर पर 2 चोटों के निशान हैं। इसके अलावा 16 हड्डियां टूटी मिली, पसलियां भी 6 जगह से टूटी हुई बताई जा रही है। वहीं हेड इंजरी के बाद
ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत की पुष्टि हुई है। वहीं पुलिस जांच की बात करें तो पुलिस हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं हादसे के एंगल से भी जांच लगातार की जा रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक।